हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा मैं शिवांगी जोशी और मोहसिन के न्यू अपडेट के बारे में। कुछ नई अपडेट आई है सिविन की ओर से, देखेंगे हम इस वीडियो में। पर उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नई अपडेट आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवांगी जोशी के बारे में। पहले जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी थी, जिसमें शिवांगी के कई सारे वीडियोज हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि राजन शाही सर के साथ वो पूजा में शामिल हुई थी और भी एक्ट्रेस शामिल हुई थी। शिवांगी जोशी अपने घर पे भी पूजा रखी थी, वहां का कुछ फोटोज उन्होंने शेयर किया है। जी हाँ, पहले तो फोटो आप ये देख लो शिवांगी जोशी की, एंड इसके साथ ही उनके सिस्टर के साथ आप ये वाली फोटो देखो, एंड उसके बाद उनकी फैमिली के साथ आप ये वाली फोटो देखो। ऐसे कई सारे फोटोज उन्होंने शेयर किए। फिलहाल लास्ट में आप यहाँ पे गणेश भगवान की भी फोटोज आप देख लो। शिवांगी ने ये पूजा अपने घर पे सेलिब्रेट किया था, और जैसा कि आपको पता है कि मुंबई में इस पूजा को काफी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। तो शिवांगी की ओर से इतना ही अपडेट। चलिए देखते हैं मोहसिन की ओर से कौन सी नई अपडेट आ रही है। तो मोहसिन खान का नाम आ रहा है बिग बॉस के लिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिग बॉस 18 स्टार्ट होने वाला है और काफी सारे सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है, तो उसमें मोहसिन के फैंस भी डिमांड कर रहे हैं कि मोहसिन खान को जाना चाहिए। वेल, इस बारे में क्या है आपकी राय कमेंट में बताना। बाकी मोहसिन की ओर से अभी इसको लेके कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। वैसे तो मोहसिन खान को खतरों के खिलाड़ी के लिए भी अप्रोच किया जा रहा था और काफी बार नाम बोला जा रहा था, तो आपको पता ही है कि मोहसिन नहीं गए खतरों के खिलाड़ी में। और शिवांगी को भी ऑफर होते रहते हैं बिग बॉस के लिए, जिसका मीडिया के सामने उन्होंने काफी बार जिक्र किया है। अब देखते हैं क्या आगे देखने को मिलता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या मोहसिन को जाना चाहिए अगर मोहसिन को बिग बॉस के लिए ऑफर मिले तो, कमेंट करके बताना। बाकी सिविन की ओर से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।